नवी सरकार बनने तो बाद पंजाब की 15वीं विधानसभा का पलेठा इजलास अज तो प्रोटम स्पीकर राणा केपी नवे विधायकों चुकाउणगे सौं 29 मार्च तक चलने वाले इजलास में 27 मार्च को होगी स्पीकर ते डिप्टी स्पीकर की चोण। टीवी शो जारी रखने को लेकर विवादों में घिरे कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू नूं मिली वड्डी राहत। पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने सिद्धू मामले सौंपी सरकार को रिपोर्ट, कहा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नहीं बनता मामला। चंडीगढ़ तो मैंबर पार्लीमेंट किरण खेर ने नवजोत सिद्धू वालों टीवी शो करन मुतलक उठे विवाद से अपना पक्ष रखा। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू वालों उन्होंने नाम को आधार बनाने सवाल चुके थे। उन्होंने दलील है कि वह टीवी शो करते रहे ने ते जे उन्होंने कोई मंत्राला होंदा तां वह शो हरगिज ना करते। उधर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी नवजोत सिंह सिद्धू वालों टीवी शो करन ते पक्के विवाद से तंज कसिया। कैबिनेट मंत्री नवजोत सिद्धू के मंत्रालय में मिसिज सिद्धू की जान से उठे सवाल से सिद्धू ने बचा किया, कहा पत्नी होने के नाते किसी को नहीं होना चाहिए एतराज। सिद्धू ने एक बार फिर अपने विभाग में पूरी ईमानदारी काम करन अते विभाग में सुधार की गल आखी है। किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार गंभीरता नाल काम कर रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री ने पीएम नाल मुलाकात करके पंजाब के किसानों का कर्जा माफी की मांग की थी। कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिंद्रा मुताबक केंद्र सरकार ने जो व्यवहार बाकी सूबे नाल कर रही है वही पंजाब नाल होना चाहिए। जगदीश चंद्रा शो दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा पंजाब की जनता ने उम्मीद तो वध दित्तियां कांग्रेस नूं सीटां। राहुल गांधी नूं लगदा सी कि फसवां मुकाबला होएगा पर नतीजे आउण तों बाद राहुल भी दंग रह गए, कहा केंद्र सरकार कोई भी होवे मेरे रहे ने सुखावें संबंध। कैबिनेट मंत्री मनप्रीत बादल ने ट्रैफिक पुलिस के दो मुलाजमान रिश्वत लेंदे रंगे हत्थी काबू किया। खन्ना के गुरथली ब्रिज से बनाया पुलिस मुलाजमान का वीडियो, दोवें पुलिस मुलाजम सस्पेंड। बीमार वित्तीय हालत का किवें इलाज करनगे वित्त मंत्री मनप्रीत बादल, की केंद्र की मदद के बिना किसानों के कर्जे माफ करना संभव है। कैप्टन राज माफिया राज से किवें कसया जाएगा शिकंजा, पंजाब के तमाम मुद्दों से डायरेक्ट विद दिनेश विच मनप्रीत बादल देंगे जवाब आज शाम 7 बजे, देखो संपादक दिनेश शर्मा के नाम। पंजाब के नजायज खनन माफिया से नकेल कसन की तैयारी, पठानकोट के भोआ तो विधायक जोगिंदर पाल बोले रेत और बजरी से नहीं लगेगा गुंडा टैक्स, लोगों को मिलेगी वड्डी राहत। फाजिलका जिले में नजायज माइनिंग रोकने के लिए अफसरों दी 6 विशेष टीमें बनाई गई, ये टीमें फाजिलका में रेत माफिया की खदान से कार्रवाइयां कर रही हैं। एसवाईएल के मुद्दे से आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह को मिलेंगे हरियाणा के आगू, इनेलो ने किया बाइकाट। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर का बयान पंजाब के कोल नहीं है पानी, पंजाब के पानी की स्थिति की जांच लई गठित किया जाएगा कमीशन। पंजाब बीजेपी के प्रधान विजय सांपला ने कहा पानी की लोड़ पंजाब नूं है क्योंकि पंजाब देश नूं अन्न पैदा करके दे रहा है, इसलिए एसवाईएल का पानी पंजाब तो बाहर नहीं जान दिता जाएगा। एसवाईएल के मुद्दे से इनेलो एमपी दुष्यंत चौटाला का हरियाणा सरकार से हमला, कहा पंजाब के सीएम ने 90 घंटे च पीएम नाल मुलाकात की पर हरियाणा के सीएम 90 दिन बाद भी पीएम नूं नहीं मिलन का वक्त मंग सके। इनेलो एमपी दुष्यंत चौटाला का ऐलान 6 अप्रैल तो सड़कों से उतरणगे इनेलो के वर्कर। हरियाणा के सबका सीएम हुड्डा बोले केंद्र नूं पहलां ही देना चाहिए सी दखल, गृह मंत्री नाल मुलाकात तो बाद पीएम नूं भी मिलांगे, जे सीएम नूं वक्त नहीं मिलता तो कांग्रेस आप पीएम नूं मिलेगी। हिसार च रामायण धरने नूं संबोधित करते हुए अखिल भारतीय जाट राखवांकरण संघर्ष कमेटी के कौमी प्रधान यशपाल मलिक ने कहा जेकर सरकार ने वादा खिलाफी की तो दिल्ली कूच किया जाएगा। हरियाणा के खजाना मंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा को 37वीं कौमी सीनियर तीरअंदाजी मुकाबले की मेजबानी करने का मौका मिले, ये मुकाबला फरीदाबाद 27 तो 29 मार्च दरमियान होगा। हरियाणा के खेतीबाड़ी विकास के पंचायत मंत्री ओपी धनखड़ ने दसिया कि 1 अप्रैल तो सरकारी खरीद एजेंसी कणक खरीद का काम शुरू करेगी, इस बार तकरीबन 6.5 करोड़ क्विंटल कणक की खरीद होने का अंदाजा है। हरियाणा व्यापार मंडल के सूबा प्रधान बजरंग दास गर्ग ने चंडीगढ़ कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उन्होंने रिहायश से मीटिंग हुई तो उन्होंने भरोसा दिता कि सूबे किसी भी व्यापारी धक्का नहीं होगा।
हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह ने छेवीं वार किया मुख्यमंत्री बनने का दावा। कहा पूजा पाठ से तंत्र विद्या का सहारा लैन नाल बीजेपी नूं नहीं मिल सकती जित, जिद्दे लई करनी पैंदी है जनता की सेवा। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जी एस बाली ने भोरंज जिमनी चोण विच पूर्ण बहुमत हासिल करने का दावा किया। भोरंज जिमनी चोण लई कांग्रेस दों प्रोमिला देवी ते भाजपा वल्लों डॉक्टर अनिल तिमान समेत कुल सत्त उम्मीदवारों ने नामजदगी दाखिल की है। हिमाचल प्रदेश यूनीवर्सिटी 191 करोड़ का बजट पास किया गया, जो 21 करोड़ के घाटे का बजट है। नाली सूबा सरकार ने 100 करोड़ की ग्रांट भी जारी की है। जम्मू च भगत सिंह फोर्सिज वालों आजादी के परवाने भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके कैंडल मार्च भी कटिया गया। यमुनानगर च रेप के झूठे मामले दर्ज करा के ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश होया। हुण इस गिरोह की एक वीडियो सामने आई है। पुलिस मुताबक इस वीडियो च मुलजम औरत पुलिस हवलदार तो पैसे मंग रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।